Hi friends and welcome back. Welcome to the Aviation Career, my YouTube channel. My name is Manjeet Roy. And आज के वीडियो में बात करेंगे एयर एशिया से जुड़े सेफ्टी रिलेटेड इशूज़ को लेकर के. एक्चुअली एविएशन से जुड़ा हूँ तो इस मैटर में बात करना ज़रूरी है. सो गाइज स्टार्ट करते हैं. अभी कुछ दिन पहले की बात है, जून मंथ में 15 जून 2020 को एयर एशिया के सीनियर पायलट जिनका नाम है कैप्टन गौरव तलेजा, उन्होंने एयर एशिया के अगेंस्ट में आवाज़ उठाया था और बताया था कि एयर एशिया इंडिया जो है गवर्नमेंट ने जो भी सेफ्टी के रिलेटेड गाइडलाइन जारी किया है उसको वो 100% फॉलो नहीं कर रही है. ये इन्फॉर्मेशन वो अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइंग वेस्ट के थ्रू पब्लिक को लोगों को दिया था. एक्चुअली मिस्टर गौरव तनेजा एयर एशिया से पहले वो इंडिगो एयरलाइंस में एज ए पायलट वर्क कर रहे थे. वो 2019 मई मंथ में इंडिगो एयरलाइंस को स्विच करके एयर एशिया को ज्वाइन किए थे. जब वो वहाँ पर आए तो उनको वहाँ पे सेफ्टी के रिगार्डिंग बहुत सारे अनसेफ एक्टिविटी दिखा और देखने के बाद वो इसके रिगार्डिंग अपने सीनियर को भी इसके रिगार्डिंग कंप्लेन दिया. जो उनके हेड ऑफ ऑपरेशन है उनको एंड सेफ्टी हेड को भी इसका इन्फॉर्मेशन दिया, बट वहाँ पे इसके रिगार्डिंग कोई भी एक्शन नहीं लिया गया. उसके बाद फाइनली कैप्टन गौरव तनेजा ने अपने यूट्यूब चैनल के जरिए इसका इन्फॉर्मेशन पब्लिकली शेयर किया. अकॉर्डिंग टू कैप्टन गौरव तनेजा उनका टोटल 3 एलिगेंस है. ऐसे तो उन्होंने बताया था वीडियो में कि बहुत सारे कुछ हैं छोटे छोटे चीज़ हैं जिसको इग्नोर किया जाता है, बट जो इम्पोर्टेंट एलिगेंस है उसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहला एलिगेंस है लीव को लेकर के. एयर एशिया में अगर कोई भी इम्प्लॉय सिक लीव यूज करता है तो उसको ऑफ में काउंट किया जाता है, उसको ऑफ के दिन ऑफ नहीं दिया जाता है. मीन्स अगर किसी एम्प्लॉय को किसी पायलट का संडे ऑफ है, अगर वो उसका हेल्थ के इशूज़ की वजह से या बीमार होने की वजह से अगर उसने वेडनेसडे या थर्सडे को सिक लीव यूज़ कर लिया तो वो संडे को ड्यूटी करेगा. संडे को उसको ड्यूटी करना है, उसको संडे को लीव नहीं दिया जाएगा. मतलब जो SL सिक लीव यूज किया वो ऑफ में काउंट हो जाएगा. आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, आपको वहाँ पे कैजुअल लीव, इमरजेंसी लीव, सिक लीव दिया जाता है क्योंकि आपके इमरजेंसी कंडीशन में काम आता है. बट यहाँ एयर एशिया ने एक टर्म एंड कंडीशन रखा है कि आपको सिक लीव के जगह पे आपको वो लीव आपको ऑफ पे काउंट होगा क्योंकि वर्किंग डेज को वो सेव कर रहे हैं. सेकेंड एलिगेशन है कोरोना वायरस को लेकर के. कैप्टन गौरव तनेजा का कहना है कि कोरोना वायरस के दौरान गवर्नमेंट ने जो भी गाइडलाइंस जारी किया था सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेकर के उसको एयर एशिया 100% फॉलो नहीं कर रही थी और उसको इग्नोर कर रही थी. एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिगेशन है जो कि पैसेंजर सेफ्टी से रिलेटेड है, वो है प्लेन के लैंडिंग को लेकर के. एयर एशिया अपने पायलट्स को टारगेट देती है, ऐसे किसी भी एयरलाइंस में नहीं है, बट एयर एशिया अपने पायलट्स को टारगेट देती है कि आपको मंथ में 98% फ्लैप 3 लैंडिंग करनी है एंड 2% फ्लैप 4 लैंडिंग करनी है, जो कि ये सेफ नहीं है. एक्चुअली दोनों लैंडिंग DGCA से अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, बट डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, रनवे के ऊपर, एयरपोर्ट्स के ऊपर, कौन से एयरपोर्ट्स, कौन से रनवे बड़ा है, कौन सा रनवे छोटा है, क्लाइमेट कैसे हैं, सिचुएशन कैसे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है. ये डिसीजन टोटली पायलट्स के अंडर में होता है. वो उनको डिसीजन लेना है कि हम मुझे कौन से एयरपोर्ट पे कौन सा लैंडिंग करना सेफ रहेगा. बट यहाँ पे फ्लैप 3 जो लैंडिंग होती है उसमें फ्यूल की थोड़ी बचत होती है 8 to 10 liters की, एंड फ्लैप 4 लैंडिंग जो होती है उसमें फ्यूल थोड़ा ज़्यादा खर्च होता है. तो इस मैटर को लेकर के एशिया अपने पायलट्स को, अपने एम्प्लॉय को अगर ऐसा नहीं करते हैं, टारगेट फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो आपको इंसेंटिव या बोनस नहीं दिया जाएगा. इसके लिए वो अपने पायलट्स को टारगेट देते हैं कि आपको 98% फ्लैप 3 लैंडिंग करना है एंड 2% फ्लैप 4 लैंडिंग करना है, जो कि गाइस सेफ नहीं है. ये डिपेंड करता है पायलट के ऊपर कि आपको अगर सपोज कोई रनवे छोटा है एंड टेबल टॉप रनवे है, मौसम ख़राब है, क्लाइमेट अच्छा नहीं है, तो उस कंडीशन में अगर आप फ्लैप 3 लैंडिंग करते हो, आपका रनवे छोटा है, तो आपकी प्लेन रनवे से बाहर चली जाएगी और आपका प्लेन क्रैश कर जाएगा. तो ये पैसेंजर सेफ्टी को लेकर के सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है. तो इसके ऊपर मिस्टर गौरव तनेजा ने आवाज़ उठाया था, बट इसके ऊपर आवाज़ उठाने के बाद एयर एशिया ने उनको जॉब से टर्मिनेट कर दिया है.
टोटली रॉन्ग है। उसके बाद बात करेंगे, सबसे पहले इस बात बात करते हैं कि फ्लैप थ्री लैंडिंग एंड फ्लैप फोर लैंडिंग होता क्या है। एक्चुअली फ्लैप का जो यूज होता है वो प्लेन को लैंड करने के लिए किया जाता है। लैंडिंग के टाइम विंग्स में लगा फ्लैप नीचे हो जाता है एंड स्पॉयलर ऊपर हो जाता है, और यह हवा के साथ इंटैक्ट करके ड्रैग क्रिएट करता है, और वो ड्रैग प्लेन के स्पीड को कंट्रोल करने की काम करती है। अगर आपका रनवे छोटा है तो आपको फुल फ्लैप लगाना पड़ेगा ताकि आपका प्लेन रनवे के अंदर में ही रुक जाए। अगर आपके रनवे बड़ा है तो आप फ्लैप फोर फ्लैप थ्री लैंडिंग करा सकते हैं। तो यहाँ पर यह मैटर है, अगर आप फ्लैप थ्री लैंडिंग करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि सिचुएशन कैसा है और इन्वायरमेंट कैसा है, आपके रनवे कैसे हैं, उसके साथ साथ आप जिस भी एयरपोर्ट पे रनवे पे प्लेन को लैंड कर रहे हैं वहाँ पे आसपास में कोई माउंटेन नहीं है ना कोई बड़े से बिल्डिंग्स वगैरह नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्लेन का जो लैंडिंग का जो एंगल रखा गया है वो 2.8 डिग्री से लेकर के 3.5 डिग्री के बीच में होता है। जो फ्लैप थ्री लैंडिंग होती है वो 2.8 डिग्री के एंगल में लैंड किया जाता है प्लेन को, एंड फ्लैप फोर लैंडिंग होती है फुल फ्लैप में लैंड किया जाता है 3.5 एंगल डिग्री को डिग्री में लैंड किया जाता है। तो यहाँ पे कैप्टन गौरव सनेजा ने इसी मैटर को लेकर के आवाज़ उठाया था जो कि पैसेंजर सेफ्टी को लेकर के सेफ नहीं है। आप सभी को मालूम होगा अभी रिसेंटली केरला के कोचिकोड एयरपोर्ट पे क्लाइमेट ख़राब होने की वजह से, बारिश होने की वजह से और रनवे छोटा होने की वजह से जो कि टेबल टॉप रनवे था उसके वजह से वहाँ पे रनवे से बाहर चली गई इंडिया का एयर इंडिया लिमिटेड एक्सप्रेस और प्लेन क्रैश कर गई। उसमें 20 मेंबर्स डेथ भी कर गए, जो पायलट की भी डेथ हो गई थी। तो ये सेफ नहीं है, ये टोटली डिपेंड करता है पायलट्स के ऊपर कि पायलट को कौन सा लैंडिंग करानी है और कहाँ पे कौन सा लैंडिंग सेफ है। बट एयर एशिया में इंसेंटिव एंड बोनस का लालच दे करके यहाँ पे इनको प्लेन जो पायलट्स हैं उनको टारगेट दिया जाता है कि आपको 98% फ्लैप थ्री लैंडिंग करनी है एंड 2% फ्लैप फोर लैंडिंग करनी है, जो कि टोटली रॉन्ग है। फ्रेंड्स ये सारे मैटर के बारे में और सारे पायलट्स भी जानते होंगे, बट किसी और पायलट ने इसको आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि जॉब सबके लिए इम्पोर्टेंस होते हैं, सबको अपना घर चलाना होता है। बट मैं सैल्यूट करता हूँ मिस्टर गौरव तनेजा को कि इसके ऊपर वो आवाज़ उठाएं और पब्लिकली एशिया के जो भी अनसेफ एक्टिविटी हो रही थी वो पब्लिकली बाहर लेके आए। अब देख इसके ऊपर, इसके बाद अभी 11 अगस्त को DGCA ने इसके ऊपर एक्शन लिया है। जब यह मैटर DGCA के पास गया तो इसके ऊपर DGCA ने एक्शन लिया है, और जो एयर एशिया के हेड ऑफ ऑपरेशन है जिनका नाम है मनीष सिप्पल, उनको भी सस्पेंड किया गया 3 मंथ के लिए। एंड सेकेंड है मुकेश नेमा, इनको भी, ये फ्लाइट सेफ्टी हेड है तो इनको भी 3 मंथ के सस्पेंड किया गया। आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आगे क्या होता है उसके बारे में मैं इसके ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि इस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या समझा जा रहा है। ठीक है गाइज, तो इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो, इस वीडियो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, एंड ऐसे ही अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर लें ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज हैं उसका नोटिफिकेशन आपको डेली बेसिस पे मिले और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। एंड आपको इस कोई और भी डाउट हो तो आप मुझे मेल भी सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी है theaviationcarrier@gmail.com। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है @manjeetroy1101 एंड मेरा फेसबुक का आईडी है theaviationcarrier, जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसी के ऊपर बेस्ट है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।